जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान और स्वागत है आप सभी का टेक हेडलाइंस के एक नए एपिसोड में। सबसे पहला अपडेट आ रहा है आईक्यू 11 सीरीज की तरफ से। आईक्यू 11 सीरीज के फोन्स 2 दिसंबर को लॉन्च हो जा रहे हैं मलेशिया में, उसके बाद जनवरी तक आपको दिखाई दे देंगे इंडिया में। और इस बारी आईक्यू 11 और आईक्यू 11 प्रो ये दोनों फोन्स लॉन्च हो रहे हैं। रूमर्स तो ऐसे हैं जब आईक्यू 11 सीरीज के फोन्स इंडिया में लॉन्च होंगे तो वो 3 हो जाएंगे। आईक्यू 11 SE भी आएगा या फिर आईक्यू 11 लाइट ये भी आ सकता है। खैर, कुछ और नए इन्फॉर्मेशन आएंगे तो बताऊंगा, लेकिन लॉन्च डेट आ चुका है दोस्त। वोडाफोन आइडिया के अभी दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। मैं आपको नया रिपोर्ट दिखा रहा हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि वो बहुत सारे सब्सक्राइबर्स को लॉस्ट कर दिया इन पिछले महीनों में, और जियो और एयरटेल तो प्लस कर ही रहे हैं। वैसे आप बताओ यार, आप वी का सिम कार्ड यूज करते हो या फिर आप कौन से ब्रांड का सिम कार्ड यूज करते हो? वैसे यार, वो एयरटेल की तरफ से एक बुरा अपडेट है जो आपको गुस्सा दिला सकता है। 99 रुपीज का एयरटेल का बेस प्लान था, लेकिन अब वो हट चुका है, उसका प्राइस इंक्रीज हो चुका है। अब बेस प्लान का प्राइस है 155 रुपीज। कोई भी आपको एक्स्ट्रा चीज नहीं मिलेगा, बस प्राइस इंक्रीज कर दिया गया है। अब आपको 150 रुपये देना पड़ेगा, कम से कम 150 रुपये तो लगेंगे ही लगेंगे एयरटेल के सिम कार्ड को चलाने के लिए। बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ चुका है एयरटेल, आने वाले टाइम में फिर 200 कर देगा। पता नहीं यार, एयरटेल इतने तेज़ी से प्राइस बढ़ा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि बंदा अपने सिम कार्ड को चालू करके कैसे रखे। कुछ कुछ लोग होते हैं ना यार, जो दो सिम कार्ड यूज़ करते हैं, एक प्राइमरी रहता है एक सेकेंडरी रहता है, तो उसको चालू रखने के लिए भी तो पैसा लगाना पड़ता है ना। अब हर महीने 150-150 रुपये कौन बंदा फूकेगा यार अपने सिम कार्ड को चालू रखने के लिए। ट्विटर की तरफ से बहुत ही अच्छा अपडेट है। पहली बात, अगर आप ट्विटर ऐप को यूज नहीं करते हो तो जाओ प्ले स्टोर पे डाउनलोड करो यार, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और मुझे फॉलो भी कर लेना वहां पर, इसीलिए मैं कह रहा हूं जाके यूज करो, ठीक है। देखो यार, ट्विटर में ना अब से मोनेटाइजेशन का भी फीचर आने वाला है। इलॉन मस्क सर कह दिए हैं कि वो यूट्यूब से भी ज्यादा पैसे देंगे क्रिएटर्स को, सैलरी देंगे। और ना सिर्फ जो वीडियो क्रिएटर्स हैं उनके लिए नहीं, जो बंदे माइक्रो ब्लॉगिंग करते हैं ट्विटर पे, इमेजेस अपलोड करते हैं, अपना कुछ भी कंटेंट बना के अपलोड कर रहे हैं, वो क्रिएटर हैं तो उनको मंथली सैलरी मिलेगा और वो यूट्यूब से ज़्यादा देंगे, ऐसा कह रहे हैं इलॉन मस्क सर। अच्छी बात है यार, क्रिएटर्स अपना पैसा कमाएंगे। वैसे आप बताओ, आप ट्विटर पे कंटेंट क्रिएट करोगे या फिर आप ट्विटर पे क्रिएटर बनोगे? वैसे आप यूज़र ही बन जाओ यार, मेरे को फॉलो कर लेना वहाँ पर। मैं देखा हूँ मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ट्विटर ऐप को यूज़ नहीं करते हैं, तो मैं वहाँ पर सबसे पहले न्यूज़ देता हूँ। जितने भी मेरे न्यूज़ रहते हैं सबसे पहले वहाँ पर मैं करता हूँ सब कुछ अपना जितना भी रहता है। पोको X5 5G आज इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन को क्लियर कर चुका है, और अकॉर्डिंग टू रूमर्स दिसंबर के मिड तक ये इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। और आई होप सो ये Redmi Note 12 Pro 5G का रीब्रांडेड वर्जन हो, ना कि Redmi Note 12 5G का। अगर पोको इसको Redmi Note 12 5G का रीब्रांडेड वर्जन बना के लेके आएगा इंडिया में, तब पोको X5 Pro 5G इंडिया में वो Redmi Note 12 Pro 5G का रीब्रांडेड वर्जन होगा। बस कुछ भी करो यार, Redmi Note 12 Pro 5G को यार ले आओ पोको। Samsung Galaxy A23 5G आज ग्लोबल मार्केट्स में लॉन्च हो चुका है। देख लो यार, इसके सारे स्पेसिफिकेशन डिटेल्स आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। IP68 का रेटिंग भी आपको दे रहा है। ऐसे स्मार्टफोन कुछ खास नहीं है, सच बोलूँ तो मजा नहीं आया। Samsung तुम ज्यादा मेहनत नहीं कर रहे हो, ज्यादा कोशिश एफर्ट्स अपने नहीं डाल रहे हो अपने स्मार्टफोन्स में, वो दिखाई दे रहा साफ साफ। एप्पल की लत लग गई है तुमको, एप्पल का हवा लगा है, इसी वजह से तुम ज्यादा मेहनत नहीं कर रहे हो अपने फोन्स में। कुछ यार मेहनत करो, तुम सैमसंग हो, कुछ डिफरेंट करो यार। ऐसा करो कि लोग बोले भाई देखो सैमसंग का फोन है मेरे पास, ये तो यार काम चलाऊ काम है, मेरे को तो साफ साफ दिखाई दे रहा है एंड पब्लिक को भी दिखाई दे रहा है। वैसे आपके क्या रिएक्शन है कमेंट करके बताना मुझे। नथिंग बबुआ को पता है कि नथिंग एयर वन ज्यादा अच्छा वैल्यू देता है नथिंग स्टिक के कंपैरिजन में, स्टिक TWS जो नया वाला लॉन्च हुआ है, तो इसी चक्कर में लोग नथिंग एयर वन ज्यादा खरीद रहे हैं। और नथिंग का ये जो नया स्टिक TWS लॉन्च हुआ है, इसको तो कोई पूछ भी नहीं रहा है। तो नथिंग बबुआ बोले काम करो, नथिंग एयर वन को डिसकंटिन्यू मारो। तो नथिंग एयर वन डिसकंटिन्यू हो चुका है, अगर खरीद नहीं पाया हो तो जाके खरीद दो, जितने स्टॉक से मिल जाएंगे आपको, ठीक है, फिर इसके बाद तो दोबारा मौका मिलेगा ही नहीं। तो नथिंग स्टिक का ही बोलबाला रहेगा, नथिंग एयर वन अब गया, अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। आपको याद होगा Samsung Galaxy Tab S8 FE के बारे में आपको बताया था मैं, Samsung Galaxy Tab S8 सीरीज का सबसे छोटा वाला भाई। ये बहुत ही जल्द लॉन्च होगा दिसंबर के मंथ में, ऐसे ऐसे रूमर्स आ रहे हैं। IPS LCD पैनल होगा, और इसके जितने भी स्पेसिफिकेशंस बाहर आए थे मैं आपको वापस से स्क्रीन पे दिखा दूंगा अगर मेरे को मिल गए तो। स्टाइलस का भी सपोर्ट होगा और बहुत ही तगड़े प्राइस पे लॉन्च होगा, कम पैसों में बहुत ही अच्छा वैल्यू देगा। अब टैब S8 सीरीज का फैन एडिशन है भाई, ऑब्वियसली बात है बहुत अच्छा वैल्यू देगा। वेट करना चाहते हो तो वेट करो, अगर आपको सैमसंग का एक अच्छा टैबलेट चाहिए वो भी कम प्राइस में तो
तो यार और फाइनली Vivo X90, Vivo X90 Pro और Vivo X90 Pro Plus, Vivo X90 सीरीज के तीनों फोन्स आज लॉन्च हो चुके हैं। तीनों स्मार्टफोन्स के एक एक रेंडर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे। डिफरेंस भी आपको मैं बता देता हूँ, Vivo X90, Vivo X90 Pro दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं, बस कैमरा हाउसिंग बड़ा छोटा हो जाएगा। और Vivo X90 Pro Plus के कैमरा हाउसिंग में आपको एक स्क्वायर लेंस देखने को मिलेगा, पेरिस्कोप टेलीफोटो, बस यही डिफरेंसेस है। बाकी स्मार्टफोन एक जैसे ही दिखाई देते हैं, कलर्स भी सेम है, फैब्रिक्स भी सेम है और डिजाइन और बिल्ड वाइज तीनों स्मार्टफोन सेम है। IP68 का रेटिंग मिल जाता है। और अगर स्पेसिफिकेशंस की बात कर लें तो सारे स्पेसिफिकेशंस प्राइसेस डिटेल्स मैं आपको स्क्रीन पे धीरे धीरे दिखा रहा हूँ। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि तीनों में से आपको कौन सा फोन अच्छा लग रहा है। अगर मैं बताऊँ तो मेरे को Vivo X90 बहुत ज्यादा अच्छा लगा, बहुत अच्छे प्राइस पे लॉन्च हुआ है, बहुत अच्छे स्पेसिफिकेशंस भी दे रहा है। वैसे आप बताना मुझे जल्दी से कमेंट करके। अगर इंडियन प्राइस अवेलेबिलिटी की बात कर लें कि Vivo X90 सीरीज के फोन्स कब तक इंडिया में लॉन्च हो सकते हैं, अभी रूमर्स तो आ रहे हैं कि फरवरी में डेब्यू करेंगे Vivo X90 सीरीज के फोन्स। अब बात करते हैं कि भाई प्राइस कितना होगा। प्राइस भी बता देता हूँ यार, प्राइस एकदम सही बताता हूँ आपको। Vivo X90 का प्राइस इंडिया में होगा 55,000 रुपए के आसपास। अगर Vivo X90 Pro Plus इंडिया में लॉन्च हुआ, याद रखना, अगर वो लॉन्च होगा तो उसका प्राइस होगा 1,00,000 रुपए के आसपास। तब Vivo X90 Pro का प्राइस हो जाएगा इंडिया में 75,000 रुपए के आसपास। लेकिन अगर Vivo X90 Pro Plus इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ तो Vivo X90 Pro का प्राइस इंडिया में हो जाएगा 90,000 रुपए के आसपास। पिछली बार ऐसा ही हुआ था, Vivo X80 Pro Plus लॉन्च नहीं हुआ, Vivo X80 Pro का प्राइस एकदम हाईफाई रहा था, 90,000 रुपए के आसपास था। तो इस बार अगर ऐसा हुआ तो अच्छा नहीं होगा। आई होप सो कि इस बार Vivo X90 Pro Plus लॉन्च हो, सिर्फ Vivo X90, X90 Pro को लॉन्च करके Vivo ना रुक जाए, अपने बड़े वाले भाई को भी लॉन्च करें। ये जो ई कॉमर्स वेबसाइट है, एग्जांपल के लिए Amazon, Flipkart, इसमें अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हो तो आप रिव्यू ज़रूर पढ़ते होगे। अगर आप नहीं पढ़ते हो तो दोस्त ज़रूर पढ़ा करो, उससे आपको बहुत ज़्यादा जानकारी देखने को मिलेगा। लेकिन यार वो बहुत बार हम लोग देखते हैं कि फेक रिव्यूज़ बहुत बार प्रोडक्ट्स के नीचे बहुत सारे यूज़र्स किए रहते हैं, मतलब कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा फेक रिव्यूज़ देखने को मिलते हैं। अब वो रियल यूज़र्स होते हैं कि बॉट्स होते हैं, आई डोंट नो, लेकिन ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यार। इससे बहुत ज़्यादा जो रियल यूज़र्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा मिसलीडिंग किया जाता है, मिस इन्फॉर्मेशन उनको मिलता है और वो गलती से गलत प्रोडक्ट ले लेते हैं, फिर रिटर्न उटर्न का झंझट होता है वगैरह वगैरह। अब जरा खुद सोच के देखो, आप कोई Amazon, Flipkart पे प्रोडक्ट परचेस करने का सोच रहे हो लेकिन आप इतना श्योर नहीं हो कि भाई ये कैसा हो सकता है, इसका क्वालिटी कैसा हो सकता है, तो आप रिव्यूज़ पढ़ोगे ना। अब रिव्यूज़ अच्छे अच्छे हैं, आप खरीद लिए लेकिन प्रोडक्ट वैसा अच्छा निकला ही नहीं, तो तकलीफ होता है। तो इसी वजह से जो हमारा गवर्नमेंट है ना, वो कुछ नए रूल्स और गाइडलाइंस निकालेंगे, इनफैक्ट निकाल चुके हैं, उसके ऊपर काम कर रहे हैं, जिसके थ्रू ये जो फेक रिव्यूज हैं इनको खत्म किया जाएगा। ओरिजिनल रिव्यूज रहेंगे, जो बंदे प्रोडक्ट खरीदे हैं वो अपना रिव्यूज लिखेंगे, वही दिखाई देंगे, फेक रिव्यूज हट जाएंगे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो सर को तो पूरा दुनिया जानता है यार, इंस्टाग्राम पे 500 करोड़ से भी ज्यादा लोग उनको फॉलो करते हैं। लेकिन कभी आप ये चीज सोचे हो, जो उनका इंस्टाग्राम पेज है वो किसी चीज का प्रमोशन करने के लिए, एक पोस्ट अपलोड करवाने के लिए कितना पैसा चार्ज करते होंगे? कुछ रिपोर्ट आए हैं जो कहते हैं वो 19 करोड़ रुपए के आसपास पैसा चार्ज करते हैं किसी एक चीज का प्रमोशन करने के लिए, एक पोस्ट अपलोड करने के लिए अपने इंस्टाग्राम पेज में। सोच के देखो यार, अभी बाइनेंस का प्रमोशन चल रहा है उनके इंस्टाग्राम पेज पे, भाई 19 करोड़ यार बहुत ज्यादा हो गया, बहुत बहुत। वैसे भी 500 करोड़ लोग उनको फॉलो करते हैं यार, कम ही एक तरह से। Realme 10 Pro Plus के हार्डवेयर इन्फॉर्मेशन बाहर आ चुके हैं, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, देख लो, आपको इससे बहुत ज्यादा नए नए इन्फॉर्मेशन पता चलेंगे Realme 10 Pro Plus को लेकर। वेल, अगर आप Realme 10 Pro या फिर Realme 10 Pro Plus इन दोनों स्मार्टफोन्स के बारे में कुछ भी जानना चाहते हो, आपका भाई डेडिकेटेड वीडियो बना चुका है, इंडियन प्राइस अवेलेबिलिटी अनबॉक्सिंग वगैरह सब कुछ दिखाया है, बताया है, आई बटन पे आपको दोनों वीडियोस मिल जाएंगे, क्लिक करके जाके देख लेना अगर फ्री हो गए तो। Samsung Galaxy S23 सीरीज के फोन्स को लेकर बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट आया है। Samsung Galaxy S23 सीरीज के फोन्स में Samsung 8 Gen 2 प्रोसेसर के ओवरक्लॉक्ड वर्जन को यूज करेगा, मतलब कि 8 Gen 2 जो प्रोसेसर है उसका CPU GPU ओवरक्लॉक्ड होगा स्पेशली Samsung Galaxy S23 सीरीज के फोन्स के लिए, मतलब कि एक डिफरेंट वर्जन होगा 8 Gen 2 का। अब मुझे ऐसा लगता है, देखो यारो, Qualcomm जब भी ऐसा काम करता है ना कि ओवरक्लॉकिंग वाला काम करता है तो वो प्लस वर्जन निकालता है, जैसे कि 855 प्लस आया था, उसके बाद 865 प्लस आया, 888 प्लस आया, फिर 8 Gen 1 प्लस आया, 8 Gen 2 प्लस भी आएगा मुझे ऐसा लगता है, वो ओवरक्लॉक्ड होगा और सबसे पहले Samsung Galaxy S23 सीरीज के फोन्स में दिखाई देगा। आई थिंक सो 8 Gen 2 प्लस वो हो सकता है, नहीं तो Samsung यूज करेगा 8 Gen 2 को ओवरक्लॉक करके अपने स्टाइल में। वैसे आप बताओ आपके क्या रिएक्शंस हैं। Vivo के आज अच्छे वाले TWS भी लॉन्च हो गए हैं, Vivo TWS 3, Vivo TWS 3 Pro,
दोनों TWS के प्राइस स्पेसिफिकेशन आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, देख लो। ये भी इंडिया में बहुत ही जल्द आपको लॉन्च होते हुए दिखाई देंगे। जैसे इंडियन प्राइस अवेलेबिलिटी को लेकर कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे पता चलेंगे, मैं आपको टेक न्यूज में बताता रहूंगा। वैसे यारो वीवो पैड का पर्पल कलर वर्जन भी लॉन्च हो गया है, जिसके बारे में आपको जानने की कोई जरूरत नहीं, आपका भाई वीडियो बना चुका है, अनबॉक्सिंग भी दिखाया था, आई बटन पे दे दूंगा, क्लिक करके देख लेना। वीवो पैड अभी तक इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है। अब रूमर्स ऐसे हैं कि अगले साल 2023 में सभी ब्रांड्स पूरी कोशिश करेंगे अपने टैबलेट्स को इंडिया में लेके आने का। वन प्लस लॉन्च करेगा, ओप्पो लॉन्च करेगा, वीवो लॉन्च करेगा। आई होप सो भाई अगले साल ऐसा हो, क्योंकि बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं टैबलेट्स के लिए। टैबलेट्स को लेकर ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं रहता है ना, ज़्यादा ऑप्शंस नहीं रहता है, तो कंज्यूमर्स परेशान होते रहते हैं। Xiaomi भी लॉन्च नहीं कर रहा है अपने नए पैड्स को इंडिया में। इलॉन मस्क सर की तरफ से एक और बहुत अच्छा अपडेट है। इतने सारे एम्प्लॉयज को काम से निकालने के बाद अब वो कह रहे हैं कि हम लोगों को नए एम्प्लॉयज की जरूरत है, हम लोग हायरिंग कर रहे हैं नए एम्प्लॉयज को। मैं सोचा था कि OnePlus 11 जब लॉन्च होगा तब OnePlus Buds 2 Pro, OnePlus के प्रीमियम TWS भी लॉन्च हो जाएंगे उसी इवेंट में दिसंबर के मंथ में, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा यार। OnePlus Buds 2 Pro इंडिया में बहुत ही जल्द लॉन्च होगा, क्योंकि OnePlus इंडिया ऑफिशियली टीज करना चालू कर दिए हैं, मतलब कि अकेले लॉन्च हो जाएगा चुपचाप से, जो अच्छी बात है यार। हम लोग सबसे पहले OnePlus के नए प्रीमियम TWS को एंजॉय कर पाएंगे। वेल, अगर आप प्रीमियम TWS को लेने का सोच रहे थे तो यार इनके लिए रुक के देखो। चलो यारो, विद दैट बीइंग सेड, हम लोग इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो। मुझसे अगर बात करना चाहते हो, मैं आपको इंस्टाग्राम ट्विटर पर मिल जाऊंगा @realsufyanxan, फॉलो कर लेना वहां पर। और हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।